हाँ जी, सत श्रीकाल दोस्तों, की हाल है थोड़े सारे। तो स्मार्ट पंजाबी ते करन वाली वीडियो में थोड़ा सारा स्वागत है जी। दोस्तों आज असी गल करांगे ऐसे शख्स के बारे जिसने सच बोलने के लिए अपनी जिंदगी नूं दांव ते ला दिता। यह हमेशा ही सच बोलता रहा, हालांकि इस नूं सरकारां वालों मौत दीआं वी धमकियां दित्तियां जांदियां सी। दोस्तों जिस दे बारे असी गल कर रहे हैं, यह एक रिपोर्टर आ जिसका जिक्र बब्बू मान साहब जी ने अपने गाने क्लिकां विच कीता सी। इस गाने विच एक लाइन सी, बाय ला कुल मीडिया, कला रविश कुमार ने भी किया। तो दोस्तों अज की वीडियो में असी रविश कुमार बारे गल करांगे। इस दे नाल तुहानू बब्बू मान साहब जी दी वी इंटरव्यू दिखावांगे जिस दे विच रवेश कुमार बारे गल करदे नजर आ रहे हैं। उस तों पहलां थोड़ा जिहा जान लैंदे आ रवेश कुमार दे बारे। दोस्तों रवेश कुमार जदों ही बोले आ सच बोले आ, ते इन्हां ने वड्डे वड्डे लीडरां दीआं पोलां खोलियां ने। रवेश कुमार दा जन्म 5 दिसंबर 1974 नूं बिहार विच होया, ते इह NDTV दे एडिटर ने। दोस्तों बब्बू मान साहब जी इन्हां दी बहुत रिस्पैक्ट करदे ने, ते इह अक्सर ही रवेश कुमार दे बारे बोलदे रहिंदे ने। ते अज जो असीं तुहानू वीडियो दिखाउण जा रहे हां, उस विच बब्बू मान साहब जी कह रहे ने, मैनूं पहलां लगदा सी गाउण वाले बहुत हो गए, पर हुण लगदा है पत्रकार ज्यादा हो गए। जिदा चैनल भी सुख ना थोड़े जिहड़े पत्रकारता बहुत वधी फुली हुई है कृपा बाबा जी दी। मैनूं पहलां लगदा सी गाउण वाले बहुत हो गए, पर हुण लगदा पत्रकार ज्यादा हो गए। उसने इसको ये कहा, इसने उसको ये कहा। इस दे नाल बब्बू मान साहब जी ने पत्रकार नाल गल करदे दौरान ये भी गल कही, क्यों करदे हो नैगेटिविटी, एक क्लिक लैण दे मारे तुसीं कोई भी खबर ला दो। क्यों करते हैं इदा नैगेटिविटी, मैंने पता समझ नहीं आती। एक क्लिक लैण लई तुसीं कोई भी खबर ला दो, पत्रकारता दा। इस दे बाद बब्बू मान साहब जी ने यह भी गल कही कि पत्रकार तां यार रवेश कुमार भी है जिसने अपनी जिंदगी दांव ते ला दित्ती। दोस्तों सानू रवेश कुमार तो कुछ सीखना चाहिए है, यह मैं अपने कोलों कहण डिया। अपने किते दे विच लालच दे मारे कदे भी वह काम ना करो जो तुहाड़ी जमीर नूं थले सिटदा है। बाकी दोस्तों देखते हैं जी बब्बू मान साहब जी की यह वीडियो। पत्रकार तां रवेश कुमार भी है यार, बिल्कुल गल दीपक आप जिंदगी ताक ते लाती अगले ने, बट सच बोलते हैं। तो सच बोलना बहुत जरूरी है और पत्रकारां दा फर्ज ही